हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 28 जून 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीएबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं आज की न्यूज़ कौन सी है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आज की पहली न्यूज़ आई है वो ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। तो क्या है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, क्या है न्यूज़ और क्या ऐसे करंट रिलेटेड चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले कंटेक्स्ट क्या है वो हम देख लेते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंटेक्स्ट ये है कि अभी नक्सलवादी जो एरिया थे या नक्सलेट एरिया आप बोल सकते हो छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे ये चीज़ सामने आई है कि कुछ एनजीओ वगैरह थे वो नक्सलवादी एरियो में या नक्सलेट लोगों को फंडिंग है वो कर रहे थे। तो ऐसा मामला सामने आने के बाद इस मामले को काफ़ी सीरियस लिया गया और जो डिफरेंट एनजीओ वगैरह थे और भी जो ग्रुप वगैरह थे जो कि इन आप बोल सकते हो कि नक्सलवादी एरिया में मतलब अपनी फंडिंग दे रहे थे, उनके लिए एक्चुअली अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने उनको बैन कर दिया है, उनको जीरो घोषित कर दिया है। ये सारा अभी कंटेक्स्ट है। तो अब देखते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है, इसका काम क्या होता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है, देखो ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो मेनली दो तरीके से डील करती है। एक तो करती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस के तरीके से डील करती है, इसके साथ ही करती है इकोनॉमिक क्राइम से, मतलब कहीं भी इकोनॉमिक क्राइम हो रहे हैं या फिर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस का काम करना हो, वहाँ दोनों ही कामों के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है इसका यूज़ किया जाता है। अब देखो, बात ऐसी आती है कि इकोनॉमिक क्राइम कौन से होते हैं। इकोनॉमिक क्राइम का मतलब ये होगा कि वो क्राइम जिससे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी है वो इफेक्ट हो रही हो, जैसे कि आप ये एग्जांपल ले सकते हो कि मनी लॉन्ड्रिंग है, वो भी एक इकोनॉमिक क्राइम है, वो हो जाता है। इसके साथ ही जैसे और भी कहीं टेरर फंडिंग वगैरह दी जा रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग में ही, या आप बोल सकते हो कि एक तरीके से इसी के अंदर आ जाती है कि भाई इकोनॉमिक क्राइम है वो है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इकोनॉमिक क्राइम का मतलब हो क्या गया है। अब बात ये आती है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है, डायरेक्टरेट सॉरी, ये कौन सी तो मिनिस्ट्री आती है, कौन सा डिपार्टमेंट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब काम वाम ऐसा देख के लगता है कि यार हो सकता है कि होम मिनिस्ट्री वगैरह के अंदर आ रही हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, जो एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू। तो रिवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसके अंडर आती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन जाता है। इसके साथ ही आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और बता दूँ। इसको सॉरी 1999 मतलब 1999 में एक एक्ट आया था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा एक्ट। इसके बाद में आया था मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आया था 2002 में। तो उन दोनों एक्ट के बाद इसका नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टर और रखा गया था, पहले एक दूसरी एजेंसी थी। तो ये अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जैसा मैंने काम आपको बता दिया कि कहीं भी टेरर फंडिंग हो रही है या फिर पैसे का गफला हो गया कि भाई पैसा बाहर से इंडिया से बाहर भेजा जा रहा है गलत तरीके से, या फिर बाहर से पैसा इंडिया में इलीगल तरीके से लाया जा रहा है, तो ऐसे जो काम होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग वाला, जैसे कि विजय माल्या ने किया था, तो वहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो काम करती है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें थी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री डिस्कस के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो ये थी हमारी न्यूज़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारी आई है वह ये पोषण अभियान के बारे में। पोषण अभियान क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो, पोषण अभियान आपको पहले पहले बता दूं सबसे पहले कि एक्चुअली इसी साल स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, जब वो झुंझुनू यात्रा में गए थे राजस्थान में, तो वहाँ इसकी स्टार्टिंग है वो की थी 8 मार्च 2018 से इसको शुरुआत है वो किया गया था। काम तो उसका नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, पोषण अभियान मतलब ऑब्वियसली जो न्यूट्रिशंस वगैरह है, न्यूट्रिएंट वगैरह है वो प्रोवाइड करवाने के लिए इस अभियान को स्टार्ट है वो किया गया था। देखो, हमारे देश में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, इसी के साथ ही आपको पता है कि सब लोगों को खाना मिल सके टाइम पे, और इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट भी रखे गए हैं कि भाई जो माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है भूखमरी वगैरह की, इनसे निजात है वो मिल सके। इसी दिशा में पोषण अभियान एक काफ़ी अच्छा कदम रहा है, जिसके द्वारा अभी काफ़ी तरीके से फैसिलिटी आप बोल सकते हो कि खाना है, न्यूट्रिशन वगैरह है, वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो देखो, अभी हुआ ये था कि गवर्नमेंट ने इस अभियान को लॉन्च किया और इससे काफ़ी लोगों को हेल्प वो मिल रही थी। मतलब इसका मेन मोटो ये था कि देखो, जो स्टंटिंग की प्रॉब्लम होती है, मतलब एज के अकॉर्डिंग हाइट नहीं बढ़ रही है, या फिर आप बोल सकते हो कि अंडर न्यूट्रिशन, मतलब किसी का वेट बहुत कम है, उसको खाना ढंग से नहीं मिला, न्यूट्रिशंस की प्रॉपर पूर्ति नहीं है। देखो, ओवर वेट होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं न्यूट्रिशंस की वजह से ही होता है कि आपने ज़्यादा न्यूट्रिशंस ले लिया हो तो आपकी बॉडी ओवर वेट हो जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं कुपोषण की या माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ही होती है। इसके साथ वुमेन में आपको पता है मैक्सिमम एनीमिया जैसी डिजीज़ है वो देखी जाती है। अप्रोक्सीमेट इंडिया में देखा जाए तो 53% वुमेन है उनमें एनीमिया की एनीमिया है वो रोग हो पाया गया, मतलब ब्लड की कमी है वो पाई गई है। तो ये एक सर्वे के अकॉर्डिंग आपको मैंने बताया है कुछ बेसिक चीज़ें। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई सभी लोगों को अच्छा खाना मिल सके और मतलब जो न्यूट्रिशंस की जो प्रॉब्लम है ना लोगों की हेल्थ में वो ना रहे। अब देखो, आप जानते हो कि अगर कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर न्यूट्रिशंस वगैरह खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा, लोग बीमार ज़्यादा होंगे। अगर लोग बीमार होंगे तो गवर्नमेंट का एक हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ना, तो कहीं ना कहीं और जो बर्डन है वो गवर्नमेंट पे ही जाता है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हमारे ऊपर इस तरीके से अगर हेल्थ के सेक्टर से बर्डन बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी भी इफेक्ट होगा, क्योंकि लोग टाइम पे काम नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए सोचता कि क्यों ना क्यों हम लोगों को न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड करवा देता कि लोग बीमार ही ना होंगे, कम बीमार हो, तो उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी को भी लॉस नहीं होगा और लोगों की हेल्थ भी बनी रहेगी। तो इसीलिए पोषण अभियान इसमें काफ़ी अच्छा हेल्पफुल है, मददगार है, बोल सकता है। और अभी हुआ क्या है कंटेक्स्ट, अब देखते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि अभी गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम है ICDS CAS, मतलब कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गवर्नमेंट ने। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से होगा ये कि जो भी पोषण अभियान चल रहा है कहाँ जहाँ जहाँ पे जिस तरीके से, उसको ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा। मतलब गवर्नमेंट ट्रैक कर लेगी कि अच्छा अभी कहाँ पे गफला हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ट्रैकिंग के लिए सॉफ्टवेयर वो मैंने बनाया गया है। इसमें होगा क्या कि जो स्मार्टफोन है वो दे जाएंगे आंगनबाड़ी वर्कर्स को या फिर और जो वर्कर्स वगैरह होते हैं उनको, जिनकी हेल्प से गवर्नमेंट पोषण अभियान चला रही है। अब वो क्या करेंगे, जो आंगनबाड़ी वर्कर है वो करेंगे सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए डाटा को एक्सेस कर लेंगे कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ इन एरिया में लोगों को कुपोषण की समस्या है या माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है, यहाँ पे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उस एरिया पे फोकस करेंगे। तो देखो गवर्नमेंट क्या करेगी, सर्वे वगैरह सब कुछ ऑर्गेनाइज करवा के सारा डाटा वहाँ पे रखेगी ताकि जहाँ जहाँ पे इसकी डिमांड है कि यहाँ इस अभियान को ज़्यादा ज़रूरत है, उस एरिया में ज़्यादा फोकस है, वो किया जाएगा। तो सारी ट्रैकिंग वगैरह भी इसके द्वारा की जाएगी, तो इसलिए एप्लीकेशन बनाया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेनली जैसे आपको बताऊँ कि पोषण अभियान की एफिशिएंसी और मॉनिटरिंग है, इसके लिए जो सॉफ्टवेयर है ICDS सॉफ्टवेयर है ये बनाया गया। तो ये आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है कि पोषण आउटकम है वो यहाँ पे बढ़ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है फर्स्ट सोलर पैनल रिसाइकल प्लांट यूरोप का, मतलब यूरोप का पहला सोलर पैनल रिसाइकल प्लांट है वो बनाया गया है। देखो अब क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी है, क्या इसका सीन है वो हम देखते हैं। देखो आज के टाइम पे सभी देश की गवर्नमेंट है वो एक्चुअली रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस वो कर रही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी है वो हमें यूज़ करनी है। अब देखो रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करें तो ऑब्वियसली फोटोवोल्टिक सेल या सोलर जो प्लेट है वो चाहिएंगी। अगर सोलर प्लेट चाहिएंगी तो ऐसा तो है नहीं कि वो ज़िंदगी भर चलती रहेंगी, कहीं ना कहीं तो उनकी ऑब्वियसली लाइफ टाइम कुछ ना कुछ तो लाइफ होगी उनकी, 10, 20, 30, 40, 50 साल जितने भी साल। तो एक टाइम बाद जब जो ही उनकी लाइफ एक्सपायर हो जाएगी, मतलब नॉर्मली ऐसा कहते हैं कि 20 से 30 साल तो मिनिमम एवरेज है इनकी होती है, तो इतनी एज तक के चलने के बाद ऑब्वियसली ख़राब हो जाएंगी। तो उनका होगा क्या, कोई काफ़ी बड़ी मात्रा में एक तरीके से आप देखोगे ना सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा उस टाइम तक। तो इसीलिए इस दिशा में कदम उठाते हुए यूरोप ने पहला अपना सोलर पैनल रिसाइकल प्लांट वो बनाया है। कहाँ पे ये स्टार्ट किया है, फ्रांस में। फ्रांस में एक जगह है जिसका नाम है रोसेट, रोसेट एक जगह है, इस जगह पे एक्चुअली आई सिटी में ये सोलर पैनल रिसाइकल प्लान है वो बनाया गया। मतलब यहाँ पे जो सोलर पैनल होंगे उनको एक तरीके से आप बोल सकते हो कि दोबारा से रिसाइकिल वगैरह किया जाएगा ताकि उनका यूज़ वगैरह हो सके, तो उस काम पे फोकस यहाँ पे किया जाएगा। तो यूरोप का पहला सोलर रिसाइकल प्लांट है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रख जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी है ना उसके अकॉर्डिंग ये डाटा सामने आया है कि जिस तरीके से हम सोलर पैनल का यूज करें ना, उस तरीके से देखा जाएगा तो लगभग 2050 तक हम 60 से 80 मिलियन टन जो फोटोवोल्टिक सोलर है, फोटोवोल्टिक सेल्स हैं, इनका प्रोड्यूसन कर देंगे और उससे कहीं ना कहीं इतना बड़ा कचरा है वो भी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ऑल ओवर देखो जो कचरा बन रहा है उसको कहीं ना कहीं से ग्लास वगैरह हुआ या फिर उसमें जो और मेटल वगैरह यूज होती हैं उनको कहीं ना कहीं तो हमें निपटाना होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो उसको रिसाइकिल करने के लिए प्लांट है उनकी स्टार्टिंग है वो की गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हो जाता है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो आई है माल न्यूट्रिशन इन ट्रीज। देखो पेड़ पौधों में भी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होने लगी है, क्यों देखते हैं। देखो आज के टाइम पे जो हवा है वो काफ़ी टॉक्सिक है, काफ़ी जहरीली होने लगी है। अब आपको पता है कि पेड़ पौधे हैं वो ऑब्वियसली उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उनको भी गैसेस ही होती है सांस लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर गैस ज़्यादा जहरीली होगी तो अपना खाना ढंग से नहीं बना पाएंगे, और वही यहाँ पे हो रहा है कि पेड़ पौधों में भी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम वो दिखती जा रही है कि वो ढंग से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह जो है वो नहीं हो पा रहे हैं। तो देखो होता क्या है, इसमें एक फंगई है उसका नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, माइकोरोजाल फंगई है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी UPSC पूछ सकती है। ये माइकोरोजाल जो फंगई है ना ये एक्चुअली क्या करता है, पेड़ पौधों की रूट में रहता है और इसका मेन काम ये होता है कि रूट है वो उसके थ्रू न्यूट्रिशंस वगैरह को एब्जॉर्व करना। देखो जड़ का काम क्या होता है, ऑब्वियसली जमीन से पानी वगैरह या जो भी न्यूट्रिशंस खनिज वगैरह चाहिए वो मिनरल्स वगैरह वो रिसीव करती है। अगर ये रिसीव ही नहीं कर पाएगा पेड़ पौधा तो आगे बढ़ेगा कैसे। तो जो माइक्रोजाल फंगी है ना उसका काम यही होता है कि रूट के द्वारा जो न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं ना, न्यूट्रिएंट वगैरह इनको रिसीव किया जाए और पेड़ पौधों की ग्रोथ हो की जा सके। मेनली इसमें तीन चीज़ें होती हैं रूट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए, एक तो होती है नाइट्रोजन, दूसरी फास्फोरस और तीसरी होती है पोटेशियम जिसके के नाम से उसका सिंबल होता है। इनका जो रेशियो है ना सोल के अंदर वो एक मतलब इंडिया के लिए स्टैंडर्ड जो रेशियो है उसकी बात की जाती है होता है 4:1। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेनली ज्योग्राफी में भी इंपॉर्टेंट होता है कि नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम का रेशियो क्या होता है सोइल के लिए। स्टैंडर्ड रेशियो वो होता है 4:1, बट
हो क्या रहा है आज के टाइम पे हमारे देश में, यूरिया वगैरह हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो यूपी हुआ, पंजाब हुआ और हरियाणा वाले एरिया में ये जो रेशियो है ये देखा जाए तो नाइट्रोजन है वो 62 तक पहुंच गया है, 62 यहाँ पे 5% ऐसे कुछ है, मतलब नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हो गया है ज़मीन में और देखा जाए तो फॉस्फोरस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बस पोटेशियम है वो तो लगभग ठीक ठाक सा मेंटेन है, बाकी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाने लग गया है पंजाब हरियाणा और यूपी वाली ज़मीन में। तो ये आपको बता दूं, ये रेशियो थोड़ा आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम का स्टैंडर्ड रेशियो हमारी सोयल के लिए क्या होता है, होता है 4:1। तो भी ये फंगी है, ये एक्चुअली क्या है कि अगर जहरीली गैस है तो खाना ढंग से नहीं बना पा रहा है, न्यूट्रिशंस वगैरह एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से पेड़ पौधे भी बेचारे कुपोषित होने लग गए हैं। तो ये सारी न्यूज़ थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। नेक्स्ट जो हमारा अगला आर्टिकल है वो आया है अल्डाबरा गेंट टोर्टल के बारे में, गेंट टोर्टल के बारे में। देखो ये अल्डाबरा गेंट, जो गेंट टोर्टल है ना, ये एक्चुअली सेशल्स में पाया जाता है, क्योंकि सेशल्स का एक आइलैंड है जिसका नाम है अल्डाबरा एटोल या लेंगूर आप बोल सकते हो, कि अल्डाबरा जो लेटो एटोल है इस एटोल में ये कछुआ या ये बोल सकते हो टोर्टोइज है ये पाया जाता है। और अभी जो आपको बता दूं कि ये इंडिया को गिफ्ट किया गया है गुडविल गेस्चर की तरह, जिसको हैदराबाद जू में रखा जाएगा, तो यूपीएससी पूछ सकती है कि भैया एडावरा गेंट टोर्टोइज क्या है। इसकी देखो जो लाइफ है ना, गेंट का मतलब यहाँ पे है कि इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, इसका नाम गेंट रखा गया है यहाँ पे। इसकी एज लगभग मानी जा रही है कि 255 साल तक एवरेज ये जीता है, तो इसके बारे में न्यूज़ थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि एडावरा गेंट टोर्टोइज पाया कहाँ जाता है। ये एडावरा एक एटोल है सेशल्स में, वहाँ पे बेसिकली पाया जाता है। इसके साथ इसका दूसरा नाम भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है, कुछ सेचल्स वगैरह ऐसे देखना, अल्डाफ्रास सेचल्स गिगंट ऐसे कुछ नाम है। इसके बाद में बात आती है हमारी जो अगले इंपॉर्टेंट बताया कि हैदराबाद जू में इसको रखा जाएगा, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि IUCN की कौन सी लिस्ट में आता है, तो जो अल्डाबारा गेंट टोर्टोइज है ये IUCN की वनरेबल लिस्ट में आता है, बस ये आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं कुछ। नेक्स्ट चलते हैं आगे, अगली जो न्यूज़ आ रही है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट फॉर कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, तो देख लेते हैं सारे न्यूज़ क्या है, क्या सीनेरियो वगैरह चल रहा है। देखो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन जो बनता है यहाँ पे वो बन जाता है एक तो कमेटी के बारे में, बैंकिंग रिफॉर्म के लिए कमेटी आई थी YH मालेगाम कमेटी 2010 में, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया यहाँ पे। अब YH मालेगाम कमेटी आई थी, उसने काफ़ी रिकमेंडेशन वगैरह दी थी कि भाई बैंकों की हालत सुधारने तो ये करो वो करो, बट गवर्नमेंट ने कुछ बातें मानी है कुछ नहीं मानी एक दो, तो अभी उसी दिशा में कुछ बातें मानते हुए गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है वो बनाया है BOM किसके लिए, कोऑपरेटिव बैंक के लिए। तो इसे हम देख लेते हैं, सीन ये है कि देखो RBI ने भी नई गाइडलाइन जारी की है कि भाई जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है ना इनके लिए भी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है इस होना चाहिए, इसके लिए गाइडलाइन वगैरह जारी की है। क्यों वो हम देख लें, देखो पहले बोर्ड ऑफ जो मैनेजमेंट होता था ना वो कोऑपरेटिव बैंकों के लिए अलाउ नहीं होता, तो मतलब जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ना इनके अलाउ नहीं होता कि कोई बात नहीं ठीक है अर्बन एरिया में है तो इतना ज़्यादा मैनेजमेंट वगैरह का खर्चा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं होती थी। बट अभी गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं भाई बिल्कुल ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत इसलिए है क्योंकि देखो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ना, थोड़ा ध्यान से सुनना काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ये क्या करते हैं, जनता से पैसे हैं वो, जनता से पैसे हैं वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि डिपॉजिट मतलब एक्सेप्ट करते हैं कि बैंक जो भी लोग हैं वो बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं, कौन से में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में। तो अगर जनता से पैसे डिपॉजिट करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी कोई ना कोई लायबिलिटी तो होनी चाहिए कि भाई जो भी कस्टमर का पैसा है वो कहीं ना कहीं सिक्योर हो सके, इसके लिए कोई ना कोई तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना बैंक की। देखो बैंक की जिम्मेदारी तो होनी चाहिए कि हाँ भाई उसने लोगों से पैसा लिया है तो इसके लिए कुछ ना कुछ काम है वो किया जा सके, कि मतलब लोगों को पैसा रिटर्न करना है तो उसके लिए कोई ना कोई तो श्योरिटी गारंटी होना चाहिए। और इसी दिशा में RBI ने बोला कि भाई आपको भी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है उसको बनाना होगा BOM को, ये सारा कंटेक्स्ट था आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं कि इसके लिए कुछ का कंपोजिशन वगैरह की कुछ बेसिक चीज़ें और क्या हैं, एम क्या है इसका, इसका मेन मोटो यही है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है ना इनकी गवर्नेंस है उसको थोड़ा स्ट्रेंथ करना, मजबूत करना, ताकि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी वगैरह बनी रहे। अब देखो बात ऐसी है, गवर्नमेंट RBI ने ये रखा है कि 100 करोड़ तक का जहाँ तक बैंक होगा, मतलब जो 100 करोड़ तक का डिपॉजिट ले रहा है उसके लिए तो कम से कम दो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होने चाहिए। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो सबसे ऊंची पोस्ट होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे काम करेंगे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का ये रखा गया कि 100 करोड़ तक का बैंक का डिपॉजिट वाला तो दो तो मिनिमम होने चाहिए, अगर 200 करोड़ से ज़्यादा का है तो मिनिमम 5 होने चाहिए और मैक्सिमम संख्या हो सकती है 12। अब ये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट क्या करेंगे, ये सारी जो भी रिपोर्ट वगैरह है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताएंगे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा चल रहा है, तो एक तरीके से आप समझ गए होंगे कि सारा सीन क्या है।
इसके साथ इनका काम क्या होगा? इनका काम ये होगा, एक तो डे टू डे फंक्शन कि बैंक में डे टू डे जो फंक्शन हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं, वो सारा काम इनका मॉनिटर करना। इसके साथ ही कितना लोन दिया है आज और कितना लोन एक्चुअली हमें वापस रिकवर किया है, वो सारा काम इनके द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही बैंक में आपको पता है कि CRR और SLR मेंटेन करने होते हैं, तो उनके लिए भी लिक्विडिटी मैनेजमेंट का काम होता है, तो वो भी इनके द्वारा किया जाएगा, लोन और रिकवरी सारे काम। तो ऐसे काम ये सब करेंगे। इसके बाद ये अपने जो सारा डिटेल वगैरह रिपोर्ट वगैरह है ये बैंक ऑफ डायरेक्टरेट होते हैं BOD, उनको सबमिट करते हैं। तो ये सारा सीन आपको बता दी कि था क्या क्या। YS मालेकाम कमेटी इंपॉर्टेंट है, RBI की गाइडलाइन क्या है वो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे ये बता दें कि 100 करोड़ तक का कोई भी बैंक होता है उसके लिए 2 मिनिमम बैंक ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत होती है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की सॉरी। अगर 100 करोड़ से ज्यादा का बैंक है तो उसके लिए डिपॉजिट है, इसका मतलब ये है कि 100 करोड़ तक का कोई बैंक अगर डिपॉजिट ले रहा है ना तो उसके लिए 2 बैंक ऑफ मैनेजमेंट होने चाहिए, सॉरी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होने चाहिए। अगर 100 करोड़ से ज़्यादा का बैंक डिपॉजिट कर ले रहा है तो उसके लिए मिनिमम 5 होने चाहिए, मैक्सिमम हो सकते हैं टोटल 12। 12 से ज़्यादा तो आप कर ही नहीं सकते हो एट एनी कॉस्ट। काम क्या है? काम से मैंने आपको बताया कि गवर्नेंस को स्ट्रेंथ करने के लिए। तो ये तो थी हमारी कंप्लीट न्यूज़, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है उसके अंदर काम करती है। कंटेक्स्ट ये था कि भी नक्सलवादी एरियो में फंडिंग कर रहे थे कुछ NGO वगैरह, तो उनको जीरो कर दिया। इसके बाद में पोषण अभियान था, वो मैंने आपको बताया कि स्टंटिंग और जो माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम थी उसकी दिशा में कदम बढ़ाया गया था, तो अभी उसमें डिजिटल चीज़ों को ऐड कर दिया गया, सॉफ्टवेयर के तहत ट्रैकिंग की जाएगी। इसके बाद में था पहला सोलर पैनल रिसाइकल प्लांट बनाया गया है यूरोप का, वो बनाया गया है फ्रांस के अंतर्गत, तो ये इंपॉर्टेंट था। फिर आ गया था माल न्यूट्रिशन इंक्रीज, मतलब पेड़ पौधों में भी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे एक फंगई होता है जिसका नाम होता है माइकोरोजाल फंगई, तो माइकोरोजाल फंगई है ये ढंग से खाना वगैरह या ज़मीन से जो भी मिनरल्स वगैरह वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो अगर ज़मीन से वो एब्स्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा तो पेड़ पौधे जिंदा कैसे रहेंगे। तो इसलिए पेड़ पौधे मतलब काफ़ी वीक हो गए हैं, उनकी पत्तियाँ ढंग से नहीं है, काली पीली पड़ने लगी हैं, तो वो सारा इशू आ रहा है। इसके बाद में हमने देखा कि अल्डावारा गेन टोर्टोइज है वो भी इंडिया को गुडविल के तहत गेस्टर के तहत मिला है, जिसमें एक्चुअली है कि जो वनरेबल लिस्ट में आता है यूसीएन की और इसकी एज काफ़ी ज़्यादा होती है, वो अल्डावारा एक अटोल है लेंगून है जो कि सेटल्स में है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। इसके बाद में है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कोऑपरेटिव बैंक के लिए कि भी RBI ने कंपलसरी कह दिया कि भाई आपको भी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत है, पहले उनको कोई जरूरत है वो नहीं होती थी। तो ये तो थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।